हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वेश। आज हम बात करेंगे जिस कंपनी के बारे में, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा एंड मोटा डिस्क्लेमर है कि मैं पर्टिकुलर आज पीएसपी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है कि कैसे फाइनेंशियल रीड आउट किए जाते हैं, कैसे बिजनेस मॉडल चेक करते हैं और कैसे हम उसके, अगर हम चार्ट को देखें तो कैसे चार्ट को स्टडी कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज हम बात करेंगे पीएसपी प्रोजेक्ट के बारे में। तो पीएसपी प्रोजेक्ट एक रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है, खासकर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, और एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। बैंक का अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। सो चलिए बढ़ते हैं इनकी वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर जाने पर जब हम ये देख रहे हैं तो इनको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर में जो बना है उसमें भी काम मिला है, ये गवर्नमेंट का काम था। और ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिए हैं कि कहाँ क्या क्या काम किए। इंस्टीट्यूशन में अगर देखें ना तो इंस्टीट्यूशन में भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। तो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया है अहमदाबाद में, और जायडूस का इन्होंने बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं एंड क्विकली देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इनकी पीपीटी भी अवेलेबल है, वहाँ पे चेक इट आउट करेंगे, तो तकरीबन इनके पास जो प्रेजेंट में इनके पास 5,075 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास है, और 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं। 46 प्रोजेक्ट इनके ऑनगोइंग चल रहे हैं। और अगर हम बात करें ड्यूरिंग 9 मंथ की फाइनेंशियल में, तो 1950 करोड़ का इनका ऑर्डर इनफ्लो हुए हैं, जिसमें 18 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुए हैं। और FY 2022 में इन्होंने 1802 करोड़ का काम किया है और 17 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए। इनके पास 1500 एंड 18,000 वर्क फोर्स है, यानी जो इनके मैनेजमेंट में कुछ लोग हैं मैनेजर रैंक से, और कुछ बाकी इनका लेबर ग्रुप है। और 1850 करोड़ का इनका लार्जेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है टिल डेट के लिए। तो इनके पास CAGR काफ़ी अच्छी मेंटेन है, इनके यहाँ पे दिखे गए हैं। तो बिजनेस इनका काफ़ी ग्रोइंग हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, और धीरे धीरे करके कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। कंपनी के कई सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं, और कंपनी ने काफ़ी अच्छी कंपनियों के साथ टाइप करके अच्छा अच्छा उन्होंने बिजनेस कराया है। ये इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने काम किया है अभी तक। एंड अगर हम बात करें कि इनके क्या क्या अच्छे कस्टमर हैं, तो अडानी, जायडूस और IIM अहमदाबाद, शायद ये मारुति सुजुकी के साथ भी काम किया है, और तो इनके रिलायंस के साथ भी इन्होंने काम किया। तो ये कई सारे इनके जिनके अंडर में इन्होंने प्रोजेक्ट काम किए, जिनके साथ जिनके प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, तो वो इनके कस्टमर बेस है। ये इनकी जर्नी दी गई 2008 से लेके 2022 तक में, इन्होंने काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग किया है। एंड बताया है कि एक इनकी फैक्ट्री जो इन्होंने गुजरात में, इनकी एक फैक्ट्री जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन किया है, इंटीरियर फिट गांधीनगर में ये किया है, जायडूस हॉस्पिटल बनाया है वडोदरा में, और इन्होंने ओडा लाइब्रेरी बनाई है अहमदाबाद में, और इनका लैंडमार्क प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ टेम्पल में काम किया है इन्होंने, और सूरत डायमंड में इन्होंने ये फैक्ट्री जो कंस्ट्रक्शन की इन्होंने ये काम किया है। तो दे हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस पीरियड बिफोर फ्रॉम 2008 टू टिल डेट। और ये इनके प्रोजेक्ट्स भी दिखाई दिए इन्होंने काफ़ी, और इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग एट गिफ्ट सिटी बनाई है, जायडूस कॉर्पोरेट का इनको हाउस बनाया है अहमदाबाद में, और ये एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए हैं, और यहाँ पे बेंगलोर में मिल्क यूनियन डायरी बनाई है इन्होंने। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम भी किया है, गवर्नमेंट ऑफिस एंड बिल्डिंग भी बनाई है, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट भी किए हैं, और ब्रिज इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर भी बनाया है गिफ्ट सिटी में, और जायडूस हॉस्पिटल भी बनाया है, डेयरी प्रोजेक्ट भी किया है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी कर रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी ग्रोइंग है। जैसे जैसे इंडिया विल डेवलप्ड और डेवलप की तरफ जा रही है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगेगा, तो और ये कंपनी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कुछ कर रही है। चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन में। नाउ वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 2440 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है, और करंट प्राइस है 679 रुपये, और लॉन्ग ऑल टाइम हाई 776 एंड 459 रुपये गया है। स्टॉक का पी 17.4 है, बुक वैल्यू 199 है, और डिविडेंड भी देती है 0.74%। ROCE काफ़ी अच्छा है एक स्मॉल कैप कंपनी में, 34.9 है। ROE भी बहुत अच्छा है, 26.4 है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है 67.5। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी से 303.6 करोड़ है।
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 141 करोड़ दिख रहा है। अभी जो मार्केट कैप 3 साल पहले 1644 करोड़ हुआ करती थी, अभी 2440 करोड़ की है। इंडस्ट्रीज का पी 34 है, उसके इंडस्ट्रीज के पी से तकरीबन हाफ पे ट्रेड कर रहा है। और शेयर का ऑल टाइम हाई 776 गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 है और 200 डेमा 630 है। 200 डेमा के तकरीबन ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI लेवल 48.5 पे। अब हम बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो दिसंबर 2019 से लेके अभी तक दिसंबर 2022 के बीच में इनकी सेल्स लगातार एक तरह से जो कंस्ट्रक्शन कंपनी रहती है उनकी सेल्स तकरीबन कांस्टेंट रहती है। एकदम बूम सा नहीं आता जब तक इनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाए, बट द कंपनी इज गेटिंग गुड प्रोजेक्ट ऑल्सो। और कंपनी की जो सेल्स है वो उसको दिखा भी रही कि इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम देखें तो पिछले 12 क्वार्टर में इनके हाईएस्ट एवर के आसपास ही, मार्च 21 में 501 करोड़ का इनका सेल्स हुई था और अभी जो 497 करोड़ की सेल्स हुई है, तो काफ़ी अच्छी सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 62 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है, 12% है। अदर इनकम भी 6 करोड़ दिख रही है और इंटरेस्ट भी 10 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। डेप्रिसिएशन भी 10 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स यहाँ पे 48 करोड़ आ रहा है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 35 करोड़ इनके पास नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट बात करें तो बीच में 47 भी आया, 37 आया। तो इट इज़ अ बिजनेस और ये सब चलता रहता है, अप्स एंड डाउन। बट फाइनेंशियल हमको अट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि स्मॉल कैप में जिसमें ROC काफ़ी अच्छा है और कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में आ रही है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट क्वार्टरली। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बात करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स 2011 से दिख रही है और जो ट्रेलिंग 12 मंथ में दिख रही है, तो सेल्स में काफ़ी अच्छा हुआ है। तकरीबन मोर देन 12 टाइम्स के आसपास ये दिख रहा है कि इन्होंने कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया है, अपनी सेल्स बढ़ाई है। अभी हाईएस्ट एवर सेल्स दिख रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ सेल्स दिख रही 1755 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 235 करोड़ दिख रहा है और इसका जो हाईएस्ट आया था मार्च 2022 में आया था, पिछले साल में आया था 257 करोड़ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, अभी 235 करोड़ दिख रहा है। तो सेटबैक चलता रहता है अप एंड डाउन। बट अगर एक और क्वार्टर में अगर इनका थोड़ा सा एक पॉइंट इज टू बी नोटेड हियर कि अगर 235 करोड़ के आसपास ही इनका ट्रेलिंग 12 मंथ में आता है एग्जैक्ट, या फिर 257 करोड़ से नीचे आता है, तो शेयर का प्राइस डेफिनेटली नीचे जा सकता है, सेंटिमेंट रहता है लोगों का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम दिख रहा है लास्ट क्वार्टर से, बट ठीक ठाक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 191 करोड़ दिख रहा है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट सेकंड हाईएस्ट दिख रहे हैं, पिछले हाईएस्ट पिछले साल आए थे और इस साल थोड़े से कम दिख रहे हैं। तो आई होप देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो शेयर कैपिटल 36 करोड़ का है, रिजर्व उनके पास 682 करोड़ है और बोरिंग देखें तो 158 करोड़ की बोरिंग है। बोरिंग भी थोड़ा सा बढ़ा है मार्च से। अदर लाइबिलिटी 540 करोड़ की। फिक्स असेट की बात करें तो 199 करोड़ का इनके पास फिक्स असेट है, CWIP में कुछ है नहीं है। और जहाँ तक बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ऑलवेज प्रॉफिट पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो गुड हियर। अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2020 से लेकर अभी तक का दिसंबर 2022 की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, 73.82 से था 60, ये प्रमोटर में भी होल्डिंग कम हो रही लगातार। तो ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है कि जब प्रमोटर ही कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट देयर बिजनेस, तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव मार्क रह सकता है माइंड में, बट ये तो एक दो क्वार्टर में समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। बट धीरे धीरे करके प्रमोटर की होल्डिंग डायल्यूट हो रही है यहाँ पे। तकरीबन अगर हम देखें तो काफ़ी होल्डिंग कम हो चुकी है, अगर 73.82 से 67.54 हो गए, तकरीबन 6% मोर देन 6% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। और यहाँ पे FI ने थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, 2.27 हुई है और DI की भी थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है यहाँ पे। और अब ज़्यादा बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 26.03 दिख रहा है और 26.03 में मधुलिका अग्रवाल जी की 2.78 है, बाकी 24% के आसपास 23 कुछ के आसपास यहाँ पे पब्लिक के पास होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा ठीक ठाक है, बट अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं तो पर्सनली किसी एक प्रमोटर का रोल रह सकता है, बाकी मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इज गुड, काफ़ी ठीक ठाक है फाइनेंशियल। नाउ बात करते हैं प्रोजेक्ट में, PSP प्रोजेक्ट में चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टडी कर रखी है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शेयर जब से लिस्ट हुआ है तब से शेयर एक अप मूवमेंट में गया और द अप मूवमेंट वॉज तकरीबन ये 590 के आसपास, तो 590 के आसपास गया, फिर कंपनी ने फॉल डाउन किया शेयर के प्राइस में। तो
और कोविड के आसपास ये शेयर तकरीबन 200-250 के आसपास भी आ चुका था। एंड दिस वॉज द प्राइज बिफोर कोविड, एंड कोविड के 233 रुपये, 233 रुपये के बाद इसने अच्छा खासा मूव बनाया। बट एक मैं यहाँ पे स्टडी पर्पज से आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोविड के बाद जब भी ये बाउंस रिटर्न मारा है, तो जब भी उसने हाई मारा है, तो उस हाई को जो भी इसने हाई मारा है, जिस भी हाई रेंज पर गया है, उससे फिर ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ। यहाँ पर एक हाई मारा, फिर यहाँ पे 18% का डाउन हुआ, फिर इसने इस लास्ट वाले हाई को क्रॉस किया, फिर लास्ट वाले हाई को जब फिर डाउन मारा तो वहाँ पे 25% का डाउन हुआ, और फिर यहाँ पर एक इस लास्ट वाले हाई को नहीं मारा लेकिन उसके जब मूवमेंट बनाया तो फिर भी 16% डाउन हुआ, फिर इसने जो लास्ट वाले हाई को भी ऊपर क्रॉस किया, फिर वहाँ से फिर डाउन मारा तो 19% के आसपास ये डाउन रहा, फिर काफ़ी डाउन हुआ, फिर उसके बाद जो लास्ट हाई था उसको ब्रेकआउट किया, तो फिर उसके हाईएस्ट के बाद फिर भी डाउन आया, जो नीचे वाला लोअर था उसको टच किया, 27% यहाँ पर डाउन रहा। ये पिछले 3 साल की हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर यहाँ से इसने फुल लास्ट वाले हाई को क्रॉस किया और फिर भी डाउन रहा तकरीबन 19.53, और अभी भी इसने लास्ट वाले हाई को क्रॉस किया एंड फिर ये जो हाई था उससे अभी तकरीबन ये 16% के आसपास डाउन नीचे गया है मेरे इस चार्ट पैटर्न के बिहाव पर। तो मुझे ऐसा लगता है ये शेयर और भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है, और उसके बाद ये अगर अपनी यही हिस्ट्री को रिपीट करता है तो शायद कुछ और थोड़ा सा गेनिंग बन सकता है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट और किया सकता है 1-2 क्वार्टर का, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल ऐसे नज़र आते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर रिजल्ट कम आता है तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। तो ये वीडियो था PSP प्रोजेक्ट के बारे में, जो एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्मॉल कैप की, जिसका CGR काफ़ी ग्रोइंग है, जिसने अपनी ROC काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है, इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी जिक्र है, और तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया होगा तभी इनको इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिले हैं। और मेरे मानने में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इट इज़ अ बिजनेस, और इंडिया जैसे जैसे डेवलप होगा इन सब चीज़ों की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, और ये कि स्मॉल कैप कंपनी है जो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ ठीक ठाक चलेगी। तो ये वीडियो बनाया था मैंने PSP प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे उसका बिजनेस मॉडल दिखाया, बिजनेस के क्या क्या इन्होंने टारगेट कंप्लीट किए, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, खासकर हमने फाइनेंशियल पे बात की, और फिर हमने इसका चार्ट पैटर्न की इसकी स्टडी बताई, कैसे चार्ट मूव कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।